स्टार्ट करेंगे आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप इमेजिन कीजिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 2023 इन स्टॉक मार्केट? क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर जो है बूम करेगा, या मतलब कौन सा सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर सकता है, कौन सा सेक्टर म्यूटेड रह सकता है? सभी के दिमाग में एक चीज़ आती है कि आईटी सेक्टर जो है 2023 या 2024 या उसके बाद कि नया जो युग है आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, तो सबको लगता है कि आईटी जो है परफॉर्मेंस आईटी की बढ़िया रहने वाली है, बढ़िया होगी परफॉर्मेंस। तो उसी के ऊपर दोस्तों एक आर्टिकल है, विच सेक्टर्स विल स्पीयर हेड रिटर्न्स इन द कमिंग डिकेड्स, यानी कि आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टर को। हियर इज व्हाट द एक्सपर्ट आर बेटिंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखी जा रही है आने वाले कुछ सालों में, दशकों में। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एलास न्यू एज टेक फर्म आर नॉट अमंग देम एज दे स्टिल नीड टू शो अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बिफोर दे कैन बी डीम्ड वर्थी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहना है कि दुख की बात है कि भाई आईटी सेक्टर जो है, टेक जो स्टॉक्स हैं वो उनमें नहीं है, क्योंकि उनको अपनी अर्निंग्स दिखानी है, चार्ट पे जो है इम्प्रूवमेंट दिखानी है, चार्ट ऊपर जाता हुआ जो है दिखाना है। आप कंपैरिजन करें बजाज फाइनेंस का इन्फोसिस से या TCS से, तो आपको रिटर्न में डिफरेंस पता चलेगा, अर्निंग्स में आपको पता चलेगा। तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे इन्होंने एनालाइज करके हमें जो है अभी के समय में दी है। तो यहाँ पे एक या दो इन्वेस्टर की राय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी राय दी गई है। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है, द इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइविंग इनटू द नेक्स्ट लेग ऑफ इट्स ग्रोथ स्टोरी आफ्टर इट्स स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इन 2022। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि इंडियन इकोनॉमी की जैसी ग्रोथ 2022 में रही है, वैसी ग्रोथ आगे भी जो है कंटिन्यूसली रहने वाली है। जो भी मनी मैनेजर्स हैं, पैसे का लेन देन करने वाले लोग हैं अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, बिलीव न्यू सेक्टर विल बी एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस इकोनॉमिक डोमिनेंस। ठीक है, इनका कहना है कि कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो कि इस डोमिनेंस का जो है मतलब आगे रह के जो है उसको बढ़ावा देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या इन्होंने आगे कहा है, टेक अवेज फ्रॉम द PMS AIF वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड 2023 सजेस्ट मोस्ट मनी मैनेजर्स आर ऑफ द व्यू डेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अलोंग विद मैन्युफैक्चरिंग विल बी द की थीम ऑफ नेक्स्ट डिकेड। तो यहाँ पे इनका कहना है, इन्होंने अपना जो व्यू रखा है उसमें इन्होंने कहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, यानी कि बैंकिंग जो सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, NBFC जो कंपनी है, बैंकिंग जो कंपनी है, वो एक की रोल प्ले करेंगी इंडिया की जो है डोमिनेंस में, ग्रोथ डोमिनेंस में, इकोनॉमिक जो डोमिनेंस है इंडिया की उसमें। उसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बहुत सारी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है दोस्तों, तो वो जो है यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं इंडिया की ग्रोथ में। आगे कहा गया है, विद ए फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द कमिंग डिकेड। तो कहना क्या है इनका, बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से जो है ग्रो करेगा आने वाले कुछ सालों में, और मार्केट की जो आवाज़ है, द मार्केट वॉइसेस आर इक्वली बुलिश ऑन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक इज़ ए पॉजिटिव साइन। यहाँ पे कहा गया है कि मार्केट जो है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो PSU बैंक हो, दोनों ही बैंकों की परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहने वाली है। इंडियन बैंक्स फ्रॉम बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल अनलॉक ए लॉट ऑफ वैल्यू इन द कमिंग डिकेड, सेड अनिरुद्ध गर्ग, मैनेजिंग पार्टनर इन्वासेट PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, एट दिस इवेंट। तो यहाँ पे क्या कहना है, चाहे कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या PSU हो, सबकी जो है बराबर की हिस्सेदारी दोस्तों इसमें रहने वाली है। आगे है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी ए कंपाउंडिंग बिजनेस ग्रोइंग एट ए रैपिड स्पीड इन इंडिया कैपिटल स्टार्व्ड इकोनॉमी, द सेक्टर इज लाइकली टू रीप द बेनिफिट ऑफ हायर क्रेडिट ग्रोथ, लो क्रेडिट कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन एसेट्स एंड स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सेट धीरज सचदेव, मैनेजिंग पार्टनर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रोहा एसेट मैनेजर्स। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, एक कंपाउंडिंग बिजनेस होने वाला है, रैपिड स्पीड से जो है इंडिया में फैलने वाला है, इंडियन इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देने वाला है, और सेक्टर क्या है, एक अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, लो क्रेडिट कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग रिटर्न और जो है स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है प्रोवाइड करने वाला है इंडियन इकोनॉमी को।
आगे कहा गया है, नंदालेस इन्वेस्टर शुड स्टिल बी सेलेक्टिवली फोकस्ड ऑन लेंडर्स डेट हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एज दीज विल बी द मेजर वेल्थ मल्टीप्लायर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है लेंडर्स, ठीक है। तो लेंडर्स में आप समझ लीजिए सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, NBFC टाइप की जो कंपनियां हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर को, पूरे बैंकिंग सेक्टर को आप लेंडर जो है मान सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल इनका हो सकता है और जो भी वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि जो भी स्टॉक है आने वाले 10 सालों में हमें जो है बैंकिंग सेक्टर पूरा बूम होते हुए देखने को मिल सकता है। आगे कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी ए फोर फ्रंट रनर इन द कमिंग डिकेड। यानी कि बैंकिंग सेक्टर तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी जो है फ्रंट रनर रहेगा इंडियन इकोनॉमी का। द वुलिसनेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग थीम अराइज फ्रॉम इंडिया स्ट्रॉन्ग पुश टुवार्ड्स मेक इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट इंडस्ट्री थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे क्या है कि इसके पीछे बुलिस होने का रीजन दोस्तों क्या है, मेक इन इंडिया की पहल जो है, बहुत बड़ी पहल हमारे जो है देश की सरकार के द्वारा चलाई गई है। कुछ लोग भले इस चीज़ का जो है मजाक बनाते हों कि क्या मेक इन इंडिया, क्या मेक इन इंडिया, लेकिन रातों रात कोई चीज़ बदल नहीं जाती है, उसके लिए आपको पहल कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। एक जो है आपको वक्तव्य देना होता है प्रोत्साहन के लिए, उत्साह के लिए, और वही जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है मिलता हुआ देखने को मिला है। और काफ़ी ज़्यादा सुधार आप डिफेंस सेक्टर में देखें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें या किसी भी सेक्टर में आप देखें, तो मेक इन इंडिया की पहल के बाद जो है हमें तगड़ा जो है सुधार हमें देखने को मिला है। ये वो स्टेटमेंट है दोस्तों जिसकी काफ़ी लोग मजाक बनाते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन आपको पता होगा कोविड के दौरान मेक इन इंडिया का जो है स्टेटमेंट दिया गया था, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया या मेड फॉर वर्ल्ड जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो मेक इन इंडिया का स्टेटमेंट कोविड में दिया गया था, और कोविड के बाद से आपने हर एक स्टॉक में, चार्ट में आपको देखने को पता चलेगा कि 2020 के पहले भी आपको किसी शेयर में इतनी ग्रोथ, किसी कंपनी में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी जितनी जो है कोविड के बाद से, मेक इन इंडिया के स्टेटमेंट के बाद से आपको किसी कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी को छोड़ दीजिए, किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखनी है तो शेयर मार्केट में जो है अपने जो है किसी भी शेयर का आप चार्ट उठाकर देख लीजिए, आपको कंपनी की ग्रोथ पता चल जाएगा कि पिछले जो है 20 सालों में, 2020 से पहले 20 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है, और 2020 के बाद 3 साल में शेयर मार्केट में उस शेयर की क्या परफॉर्मेंस रही है, आपको क्लियरली जो है आपको वहाँ पे पता उसका चल जाएगा। तो मेक इन इंडिया कोई ऐसे ही फालतू की चीज़ नहीं है, मेक इन इंडिया बहुत बड़ी चीज़ है, इसको जो है आप सीरियसली जो है लेके चल सकते हैं। और हो ना हो, मेक इन इंडिया की जो पहल हुई है, हम जो है एक स्ट्रॉन्ग, जो अभी हम इम्पोर्ट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में हम एक्सपोर्ट के मामले में जो है एक्सपर्ट होंगे, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट दुनिया को, काफ़ी चीज़ें हमारे देश में, सब चीज़ का भंडार है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है सब कुछ एक्सपोर्ट करने लायक आने वाले 10 सालों में हो जाएंगे। आगे, अनिल रेजो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइट होरिजोन्स ए फाइनेंशियल एडवाइजरी बिलीव्स डेट मेक इन इंडिया कपल्ड विद द नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स टू मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना कैन एक्ट एज ग्रोथ मल्टीप्लायर फॉर द सेक्टर। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ जो चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं कंपनियाँ, तो उनके लिए जो है ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, तो वहाँ पे जो कंपनियाँ चाइनीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढ सकती हैं, तो इंडिया जो है उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है यहाँ पे, और जो कि इस चीज़ को, सेक्टर को जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकता है अगर चाइना से इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं चाइना से उठ के अगर इंडिया में आती हैं, और मेक इन इंडिया के साथ साथ ये दोनों चीज़ जो है अगर इंडस्ट्री चाइना से आती हैं तो एक बूम होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरे। सच दे बिलीव्स डैट दीज फैक्टर्स विल नॉट ओनली बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट ऑल्सो ट्रिगर ग्रोथ अक्रॉस द इकोनॉमी। तो कहना ये है कि ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है सेक्टर को बूस्ट करेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी को जो है ट्रिगर करेगा, उसमें जो ग्रोथ होगी उसको जो है ट्रिगर करेगा। आगे लिखा है, कैपिटल गुड्स, फार्मा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सेमी कंडक्टर कंपोनेंट्स आर सेक्टर्स दैट विल बी की बेनिफिशियरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जब जब जो है हमें बूम देखने को मिलेगा, तो कैपिटल गुड्स, फार्मा सेक्टर में, केमिकल के सेक्टर में, जो भी इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग वाले जो भी सामान हैं, ऑटो कंपोनेंट है यानी कि जो भी व्हीकल में कंपोनेंट लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, सेमी कंडक्टर कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें जो है हमें तगड़ा जो है ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है।
सचदेव आल्सो सी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल इन रिटेल ट्रेवल एंड हाउसिंग द सेक्टर डेटा एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलोंग विद इंडिया अर्बनाइजेशन विच इज स्टिल ए लोअर लेवल कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे इनका कहना है कि रिटेल बिजनेस जो है उसमें भी पोटेंशियल हमको नजर आती है, ट्रैवल और हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो शहर में रहना आज के समय में पसंद कर रहे हैं गाँव की अपेक्षा। हालांकि गाँव भी अभी के जो हैं काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, उस तरह के पिछड़े गाँव नहीं रह गए हैं जो कि 15-20 साल पहले हमें देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे क्या है कि मैनी अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, फिर भी अभी काफ़ी कम है। तो ये अगर बढ़ता है तो हाउसिंग जो सेक्टर है, रियल इस्टेट का जो सेक्टर है, वो भी जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जाते जाते दोस्तों ये जो है आईटी सेक्टर को पूरे ही एक तरह से उन पे तंज कसते हुए जो है चले गए। आई एम नॉट सो पॉजिटिव अबाउट न्यू एज टेक कंपनीज करंटली। तो ये इनका कहना है कि ये जो है टेक कंपनियों के लिए जो है इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। डेस्पाइट दियर रिसेंट करेक्शंस द कंपनीज स्टिल नीड टू शोकेस अर्निंग ग्रोथ विजिबिलिटी बिफोर दे कैन बी डीम्ड वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि भाई उनको पहले अपनी अर्निंग ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टर्स को जो है कुछ ना कुछ तो चाहिए कि वो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करे। तो उनको जो है अपना एक विज़न उनको दिखाना पड़ेगा अपना, कि किस हिसाब से वो जो है आगे परफॉर्म करने वाले हैं, क्या उनका जो है गोल है, क्या उनका या क्या उनके अचीवमेंट रहे हैं, वो सब चीज़ें उनको रखनी पड़ेंगी। हालांकि ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो आईटी सेक्टर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बूम करेगा। अगर जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर ज़्यादा दिन जो है एक कंसोलिडेशन जोन में नहीं रुकने वाला है। आईटी सेक्टर जब भागेगा तगड़ा भागेगा, और नए नए इन्वेंशन जो है आईटी सेक्टर के द्वारा, नई नई चीज़ों को जो है आईटी सेक्टर के द्वारा लाया जाएगा, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो मैंने जानकारी आपको दे दी है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो जो है बैंकिंग सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बुलिश हैं और टेक के प्रति उतने बुलिश नहीं हैं, जब तक कि टेक कंपनियां जो भी हैं वो अपनी अर्निंग ग्रोथ, अपना विजन जो है सामने नहीं रखती हैं।